अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इस दिग्गज नेता का नाम सबसे ऊपर उभर कर सामने आया है। आपको बता दें कि आज CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर फैसला होना है। आपको बता दें कि इस बैठक में UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जोन के हिसाब से सुझाव के लिए वरिष्ठ नेताओं की 5 टीम बनाई गई है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी नाम शामिल थे, लेकिन सोनिया गांधी ने टीम में शामिल होने से इनकार किया है और उनका कहना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पार्टी के सीनियर नेता अहमद पटेल, AK एंटनी, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल बोरा, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल ने दिन भर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर आज हो रही CWC की बैठक में निर्णय होगा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात के बाद सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के युवा नेता मुकुल वासनिक अध्यक्ष पद के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 2 दशकों में पहली बार गांधी परिवार के सदस्य से बाहर किसी शख्स को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, जिसमें मुकुल वासनिक का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस पद के लिए मुकुल वासनिक के पीछे कई अन्य और दिग्गज नेताओं की नाम की चर्चा है। गौरतलब है कि कांग्रेस 134 सालों के इतिहास ज्यादातर गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ही पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। खबर के मुताबिक आज हो रही बैठक में औपचारिक तौर पर राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष पार्टी के लिए किए गए कार्यों को लेकर सभी की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन में अब और देरी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि जिस नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे ऊपर चल रहा है वो है कांग्रेस के युवा नेता मुकुल वासनिक, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। वहीं मुकुल वासनिक NSUI और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक सबसे कम उम्र में सांसद बने और अब तक वे 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक ये भी सामने निकल कर आया है कि गांधी परिवार मध्य आयु वर्ग के किसी ऐसे शख्स को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुनना चाहती है जिसे संगठन चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव हो। अगर गांधी परिवार के इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मुकुल वासनिक कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अपने प्रतिद्वंदियों सुशील शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे निकल जाते हैं। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक सबसे ज्यादा समय तक लगातार कांग्रेस महासचिव रहे हैं। बताया जाता है कि मुकुल वासनिक गांधी परिवार के काफी करीबी भी हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक राजीव गांधी फाउंडेशन के भी सदस्य रह चुके हैं। हालांकि इस बैठक में नए अध्यक्ष पद को लेकर समिति फैसला लेती है या नहीं, इसका पता तो बैठक समाप्त होने के बाद ही लग सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि CWC की बैठक के बाद कांग्रेस कार्य समिति को क्षेत्रवार 5 जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन में बांटा जाएगा और सभी 5 जोनों में शामिल नेता अध्यक्ष पद को लेकर सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सांसदों, सचिवों और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों सहित सभी से बात करके कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा।